हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं चांदनी, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले आप लोग को हैप्पी नवरात्रि। और मैंने अभी वीडियो दो तीन दिन से बिल्कुल पोस्ट नहीं करी हूँ, तो यहाँ पे ये नवरात्रि का फर्स्ट डे का ब्लॉग है हमारा। तो अभी मैंने मॉर्निंग का सारा हमने काम वगैरह कर लिया है और यहाँ पर अभी मैं नहा के आ गई थी और यहाँ पर पूजा का जो सारे बर्तन है उसको मैं वॉश कर रही थी। अभी इसके बाद में सारे वॉश करने के बाद में अभी इधर फ्रूट वगैरह सब्जी वगैरह ये सारे मुझे वॉश करना है, इसके बाद में पूजा वगैरह की तैयारी करूँगी। तो चलिए फिर, और यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट अपने सारे पूजा का जो बर्तन है उसको वॉश कर लिया है और ये लास्ट एक थाली बचा था तो इसको भी वॉश कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने आप लोग को बार बार मैं बताती हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या है कि पीतांबरी से वॉश करती हूँ, इससे मतलब बिल्कुल जल्दी से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर और मतलब जो भी मतलब विम बार या फिर इस सब लिक्विड से आप वॉश करोगे उससे जल्दी, इससे बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। थोड़ा सा इस पर डालने के बाद में वॉश कर ले से। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं हमने पूजा का सारे बर्तन वॉश कर लिया है, साथ में अभी मैं इस सारे बर्तन को रख के आऊँगी और यहाँ पे सारे फ्रूट्स सब्जी वगैरह हैं तो इसको भी मैं सारे को वॉश कर लूँगी, क्योंकि मैंने ऐसे ही सारे जो लेकर आई थी तो ऐसे ही मैंने रख दी थी ताकि मैं वॉश करके अच्छे से फ्रिज में सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं सारे सब्जियों को बारी बारी से वॉश कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं सारे फ्रूट्स को भी वॉश कर दूँगी। अभी यहाँ पे मैंने सारे काम मैंने किचन का जो भी था उसको मैंने करने के बाद में यहाँ पे आ गई थी। तो कुछ काम तो कुछ नहीं था बट मेरे को फ्रूट वगैरह सब कुछ वॉश करना था, तो वॉश करने के बाद में यहाँ पे अभी मैं आ गई थी हॉल में। तो यहाँ पे मैं माता जी का पूरा यहाँ पे चौकी वगैरह लगाऊँगी और पूजा वगैरह करूँगी। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ यहाँ पर पहले से वॉश करके और जितना सारा सामान वगैरह था वो सारा मैंने यहाँ पर इकट्ठा करके रख दी थी और फिर और एक दिन पहले से ही मैं जाके सारा सामान वगैरह भी लेकर आ गई थी। और यहाँ पे है सबसे पहले मैंने ये छोटा सा टेबल है इसके ऊपर मैं इसको रेड कलर का कपड़ा डाली और इसके बाद वहाँ पे माता जी को माला और चुनरी वगैरह लगाने के बाद में मैं यहाँ पे बैठाऊँगी माता जी को और फिर इसके बाद पूजा वगैरह करूँगी। तो चलिए फिर पूजा वगैरह करने के बाद मिलते हैं। अभी हमने पूजा आरती सब कुछ हमारा हो गया है और होने के बाद में फिर मैं किचन में आ गई थी। तो जो भी मैंने फ्रूट सब्जी वगैरह वॉश करी थी उसको मैं यहाँ पे निकाल के और फैन के पास रख दूँगी ताकि थोड़ा सा ये सूख जाए और फिर इसके बाद सब्जी वगैरह है जो कि फ्रिज में मैं लगा देती हूँ। अभी यहाँ पे क्या है कि मैंने मॉर्निंग का सारा काम ऑलमोस्ट मेरा हो गया है, बस दूध वगैरह रह गया है गर्म करने के लिए। तो अभी क्या था कि आज मेरा फास्ट है तो फिर मैं सोची कि चलो अभी मॉर्निंग में किचन वगैरह सब कुछ क्लीन रहता है, पहले दूध वगैरह गर्म कर लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ, इसके बाद बच्चों लोग को लंच बनाऊँगी क्योंकि मेरा आज फास्ट है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने पहले दूध वगैरह रख दी और फिर इसके बाद मैं चाय बना लूँगी। तो चलिए फिर अभी मैं दूध रख देती हूँ।
मैं दूध रख दूंगी और दूध मेरा जब तक गर्म हो जाएगा ना उसी टाइम पे वो गर्म रहेगा दूध, उसी में मैं चाय थोड़ा सा बना लूँगी। और यहाँ पे नहीं तो वापस से पूरा गर्म करना पड़ेगा। और फिर जब तक मैं लंच के यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं दाल रख देती हूँ, क्योंकि आफ्टरनून में दाल चावल बना दूँगी सब्ज़ी वगैरह। तो यहाँ पर अभी मैं दाल वगैरह भिंगो के रख देती हूँ। और इसके बाद क्या था कि मैंने आफ्टरनून में कुछ शूट नहीं करी थी, और ये वीडियो है जो हमारा इवनिंग का है, तो थोड़ा बहुत मैं इधर शाम को डेकोरेशन वगैरह कर रही थी क्योंकि मैं मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, फिर मैं नहीं कर पाई थी। तो आराम से यहाँ पे मैं बैठ के पूरा डेकोरेशन करी, आरती करी। फिर इसके बाद यहाँ पर अभी मैं आ गई थी, बनाना शेक बना रही थी, और ये अभी नाइट का टाइम था तो ये बनाना मतलब इवनिंग का टाइम था, तो यहाँ पे अभी मैं बनाना शेक बना रही थी क्योंकि मैं सोची कि मैं भी पी लेती हूँ, साथ में बनाती हूँ और बच्चे को भी पिला दूँगी और फिर इसके बाद में डिनर बनाऊँगी। तो यहाँ पे अभी हमारा बनाना शेक बनके रेडी हो गया है, और ये वीडियो मैं यहीं पेंट कर दूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छा सा वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।